सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोदीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार सदानंद योगींद्र कृत। अभी तक हम लोगों ने कारण शरीर और जगत का कारण क्या है उसके संबंध में पढ़ा, फिर सूक्ष्म शरीर व्यष्टि और सूक्ष्म जगत समष्टि उसको पढ़ा। सूक्ष्म शरीर के लिए हम लोगों ने पढ़ा जिस सूक्ष्म शरीर का 17 अवयव है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, बुद्धि और मन, ये 17 से सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि, व्यष्टि माने व्यक्ति, इंडिविजुअल यूनिट, इसका नाम तेजस दिया है। सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य का नाम तेजस दिया है। और ये सब समग्र ब्रह्मांड के सब तरह के सूक्ष्म शरीरों से उपहित जो चैतन्य, इसको सूत्रात्मा बोला है। हिरण्यगर्भ, प्राण, ये 3 नाम उनको दिया है। हिरण्य गर्भ को सूत्रात्मा बोला है माने गीता में कृष्ण परम तत्व के लिए जो बोलते हैं, सूत्रे मणि गणा इव, माला के मणकों में जैसे सूत्र पिरोया हुआ होता है और सूत्र बंधे हुए रहते हैं, ऐसे समस्त जीवात्माओं के सूक्ष्म शरीर में जैसे के ये हिरण्य गर्भ पिरोया हुआ है, कनेक्टेड है, इसलिए उसको सूत्रात्मा भी बोलते हैं। अभी ये दोनों हो गया, इसके बाद में स्थूल भूत की बात करेंगे। ये सब वेदांत की बेसिक मूलभूत बातें हैं जिसको नहीं समझने से हिंदू धर्म तो समझ में नहीं आएगा, मगर हम लोग रामकृष्ण अनुयायी हैं वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रामकृष्ण जब बोलते हैं पंच भूतेर फंदे पोड़ले ब्रह्म कांदे, पंचभूत के फंदा में पड़ने से ब्रह्म भी रोता है। ये क्या पंचभूत है? नाम तो हम जानते हैं मगर ये फंदा क्या है और कैसे ये पंचभूत बना, ये अगर समझना है तो वेदांत के पास में आने पड़ेगा। तब रामकृष्ण जो बोलते हैं वो शब्द के अर्थ में हम समझ लेते हैं, वो पंचभूत के फंदा थे पोड़ले ब्रह्मो कांदे, किंतु व्हाट इज ब्रह्म कांदा और व्हाट इज ब्रह्म पंचभूत फंदा, ये हमारी समझ होने से अच्छी है मगर सामान्यतः नहीं होती है। अगर वेदांत नहीं पढ़ा तो समझ नहीं है, अगर वेदांत पढ़ा है तो समझ होगी।
फिर रामकृष्ण बोलते हैं जो बहुत बड़ी बात बोलते हैं रामकृष्ण, अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे जा इच्छा ताई करो, ट्राई द अद्वैत ज्ञान एट द कॉर्नर ऑफ योर क्लॉथ एंड देन डू वॉट एवर यू लाइक, मीन्स कीप अद्वैत नॉलेज इन योर माइंड कॉर्नर ऑफ द क्लॉथ, आंचल बांधा मैंने बेंदे रखे देवा नहीं, जीवन नहीं आसा। तो ये अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे, व्हाट इज अद्वैत ज्ञान, कौन ज्ञान के हमें आंचल बेंदे रखे देव, और एमने तो हमारा कथा मृत्य पड़े ही, और बोले रामकृष्ण तो बोले छे कलियुगे भक्ति अन्नगत प्राण कलियुगे ज्ञान योग नहीं, एटा तो ठाकुर कथा सामान्यतः हमारा सुनी और अनेक ही बोले, किंतु ठाकुर जो मेन कथा जो अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे जा इच्छा ता करो, तार माने की जो ठाकुर बोलते अद्वैत ज्ञान बुझो, जहां तक अद्वैत ज्ञान ना तुम्हें बुझो नहीं, जहां तक नहीं समझेगा तो अपने जीवन में का पार्ट ऐसे कैसे बनेगा। यू आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, यू आर डिवाइन, तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, तुम दिव्य हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, सब जगह में लिखा है, सब लेक्चर में सुनते हैं, सब किताबों में पढ़ते हैं, मगर व्हाट इज दैट, मैं आत्मा ही हूं, ये शरीर नहीं, कैसे नहीं हूं। ये जो पूरा प्रोसेस और ज्ञान, ये जहां तक वेदांत नहीं पढ़ेंगे तहां तक वो जो शब्द हम सब जगह में भारतीय संस्कृति में ओत प्रोत होकर के रहे हैं, आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी, कण कण में भगवान है, प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का वास है, कैसे वास है, कण कण में भगवान कैसे है, शब्द तो समझ लिया, तत्व समझा, ये तत्व समझने के लिए अद्वैत वेदांत है। और ये तत्व धीरे धीरे हम लोग समझते आए हैं, ये पूरी सृष्टि का और ये पूरा मनुष्य संघात का विकास कैसे होता है, एक मूल कारण से उनका विकास आरंभ होता है और उसको कारण शरीर नाम दिया, व्यक्ति का कारण शरीर और विश्व का कारण शरीर, जो अविद्या उपहित चैतन्य है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, इस ढंग से विस्तार तो आगे बहुत हो गया, इसे खाली मेंशन में कर देता हूं। अब ये जो प्रकृति है, अविद्या है, माया है, ये त्रिगुणात्मिका है, माया का डेफिनेशन में हम लोग पढ़ा था, ये त्रिगुणात्मिका, ये त्रिगुणात्मिका माया से पंच तत्व सूक्ष्म भूत निकलते हैं, माया से ही सूक्ष्म भूत निकलते हैं, मगर ये प्रत्येक सूक्ष्म भूत के अंदर में सत्व रज तम का कुछ अंश रहता है, तो ये तमस से निकलते हैं, जाड़ी आदि ये शब्द यहां लिखा था, तो तमस प्रधानता से सूक्ष्म तन्मात्रा निकलती। अब ये जो सूक्ष्म तन्मात्रा निकली और जो वर्ड होता है और सब में हिरण्य गर्भ अनुस्यूत है, सूत्र मणिगणा इव है, इसका मतलब सब ब्रह्म ही है, बाटी ब्रह्म, घटी ब्रह्म, बास्केट बाकेट ब्रह्म, जो रामकृष्ण बोलते थे और हाजरा मां से ही उसका ठट्ठा उड़ाते थे और विवेकानंद ने भी उसमें साथ दे दिया, ये सब में एक ही ब्रह्म कैसे हो सकता है, आंखों से नहीं दिखाई देता, मेरा अनुभव में नहीं, फिर रामकृष्ण उनको स्पर्श करके अनुभव करा दिया, हम लोग सब पढ़े हैं, ये जो पूरा अनुभव कर दिया, ये सब में अनुस्यूत वही ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म का एक झलक था, ये आभास दिया था, ये आभास से विवेकानंद कन्विंस्ड हो गए जे ये बात सच है। और जिसको भी ऐसा अनुभव होता है, जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया है जे मेरी विभूतियां क्या क्या है जगत में, ये मैं हूं, वो मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसे बहुत समझाते समझाते बहुत कुछ बोल दिया, मगर अर्जुन बोला आपने से बोला तो है, मैं क्या अपनी आंखों से उसको देख सकता हूं, यही सब बात वहां दूसरे ढंग से प्रेजेंट होती है।
क्या में आपका ये पूरे विश्व में व्यापक जो रूप है, विश्व रूप, क्योंकि आपने ही बोला मेरी विभूतियों का क्या मैं वर्णन करूं, जगत में जितनी भी विभूति यहाँ है वो मेरे एक अंश मात्र में ही स्थित है। तब अर्जुन ने देखना चाहा कि ये विश्व रूप आपका कैसा है, और जो गीता में विश्व रूप का वर्णन आया है वो वर्णन में इसकी कुछ झलक है, यही है, ऐसा नहीं, इसकी एक झलक है, ये पूरा विश्व यही उनका सर है, ये उनका ही पांव में है, उनके ही हस्तों में, और जगत में जितनी भी घटनाएं हो गई है, हो रही है और हो चुकी है, ये सब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ये विश्व माइंड के अंदर में, कॉस्मिक माइंड के अंदर में प्रोग्राम्ड है। इसलिए महाभारत में जो मरने वाले हैं वो कैसे मरने वाले हैं, कृष्ण उसको अपना विश्व रूप दर्शन में दिखाई देते हैं। जगत में कोई भी घटना जो घटित होती है हमारे लिए अभी घटित होती है, मगर विश्व माइंड में, कॉस्मिक माइंड में ऑलरेडी उसकी आउटलाइन बन चुकी होती, जो टाइम आने के समय में मैनिफेस्ट होकर के उस तरह की घटना फिजिकल वर्ल्ड, जो कुछ भी ये जगत में फिजिकल में मैनिफेस्ट होता है, पस वो प्रथम सूक्ष्म शरीर के अंदर में या हिरण्य गर्भ में या वैश्विक माइंड के अंदर में ऑलरेडी घटित हो जाता है, जो किरलियन फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने देखा था, जो स्वामी अतीश्वरानंद महाराज का जीवन का प्रसंग में समझाया था, ये उसका सूक्ष्म शरीर में उन्होंने पीठ में काला धब्बा देखा था, और फिर जहां काला धब्बा देखा था वहां कैसे एक अल्सर आ गया, तब उनको मालूम पड़ा कि ये अल्सर अभी स्थूल शरीर में दिखाई दे रहा है, वही पहले काला धब्बा रूप से मैं सूक्ष्म शरीर में देखा। इसलिए स्थूल शरीर में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो सूक्ष्म जगत में ऑलरेडी घटित हो चुके, वही कृष्ण गीता में अर्जुन को बता के रहते हैं कि ये सब तो मरे हुए ही है, तुम निमित्त मात्र बन, तुम नहीं बोल, निमित्त बनने से भी ये जो मरने वाले हैं ये तो मरेंगे ही मरेंगे। ये जो टोटालिटी ऑफ कॉस्मोस, ये अल्टीमेट रियालिटी है। ये हिंदू धर्म के बहुत से संतों के जीवन में ये वैश्विक दर्शन की कथाएं आती हैं। खाली हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में भी जिनको अनुभव होता है और ये अनुभव को एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी भाषा बौद्धिक बुद्ध धर्म टाइप की होती है। जैसे उस परम को जानने के बाद में जब सामान्य भूमिका में आते हैं और ये जगत से उनका संपर्क होता है, तक ये जगत को किस ढंग से देखते हैं, भाषा का प्रयोग किया है, 10,000 थिंग्स विदाउट बाउंड्री, 10,000 वस्तु, 10,000 थिंग्स, ये उनकी स्टाइल है विश्व की समग्र वस्तुओं की बोलने की। अभी 10,000 थिंग्स विदाउट बाउंड्री, उसको आप कैसे समझेंगे, मैं 10,000 वस्तु को देखता हूं मगर कोई वस्तु की बाउंड्री नहीं है, आउटर लाइन नहीं है, और मैं 10,000 मैंने पूरा समग्र विश्व को देखता हूं, अनंतता को अनंत रूप में देखता हूं विदाउट बाउंड्री, ये मिस्टिक एक्सपीरियंस है, यू कांट डिस्क्राइब इट बट यू नो इट। ये जो है ये सब बातें समझ में आएंगी जब ये व्यष्टि समष्टि तार उपहित चैतन्य उनका परस्पर संबंध कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सिंक्रोनाइज्ड एंड फंक्शनिंग एज ए होल मैकेनिज्म, ये वेदांत हम लोगों को सिखाता है। अभी आगे चलेंगे हम लोग, अभी तक सूक्ष्म जगत तक हम लोग चर्चा किया, मैंने पढ़ा, कारण जगत समझ लिया, कारण जगत से आविर्भाव सूक्ष्म जगत समझ लिया, उसमें पंच तन्मात्रा की बात आई, अभी स्थूल भूत। लास्ट 97 में हम लोग पढ़ा था एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति,
इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, ये मेजर पार्ट वेदांत का समझा दिया गया है। अभी थोड़ा स्थूल पार्ट आ रहा है, सूक्ष्म चला गया। तो ये जो स्थूल 98 स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, स्थूल भूत जो है वो सूक्ष्म तन्मात्रा से बनते हैं। पांच तन्मात्रा का नाम हम लोग पढ़ लिया, आकाश वायु अग्नि जल एल पृथ्वी, ये पांच नाम पढ़ गया, मगर वो तो तन्मात्रा है। अतः न तो वो इंद्रियों से अनुभव में आती है और न तो उससे जगत ही बना है, ये तो सूक्ष्म तत्व है। उस सूक्ष्म तत्व का जब मिश्रण बनेगा तब ये स्थूल जगत बनेगा। तो स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, परंतु ट्रांसलेशन लिखा है परंतु स्थूल शरीर पंचभूत माने पंचभूतों का पंचीकृत समन्वय है। अभी एक नया शब्द आते हैं, पंचीकृत माने पांच भूतों की मिश्रण करने की जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया को वेदांत में पंचीकरण नाम दिया है। कोई भी भूत तन्मात्रा रूप में अनुभव में नहीं आ सकता, प्रैक्टिकल यूज उसका नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल यूज करने के लिए उनका मिश्रण होता है, उस मिश्रण की एक प्रक्रिया बताई है। पंचीकरणम तु आकाश आदि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषां चतुर्ण भागानां स्व द्वितीय अर्धभाग परित्यागेन भागांतरेषु। कैसे मिश्रण हुआ पंचभूतों का, तो मिश्रण का एक प्रक्रिया बताते हैं। पंचीकरण इस प्रकार होता है, पंचीकरणम तु आकाश आदि पांच भूत, ये थोड़ा मैथमेटिक जैसा हो जाएगा, आकाश आदि पांच भूत माने पांच तत्वों पंच तन्मात्रा में से प्रत्येक के दो भाग, मैं पहले पढ़ जाता हूं फिर समझाऊंगा। प्रत्येक के दो विभाग करके इस प्रकार प्राप्त दस भागों में से प्रथम पांच अर्ध भाग में प्रत्येक का चार चार समान भाग करते हैं, फिर उनमें से प्रत्येक चतुर्थांश को स्वजातीय अर्धांश छोड़कर अन्य चारों अर्धांशों में मिलाते हैं। ये पंचीकरण हुआ। अभी उसको सरल करके समझाने का प्रयत्न करते हैं। मानिए आकाश है, तो आकाश का दो भाग कर दिया 50-50%, उसमें 50% आकाश तत्व रह जाता है और 50% जो बाकी रहा वो चार भूतों में से लेते हैं। जैसे आकाश में दो दो भाग किया 50-50% का, ऐसे ही पांचों भूतों का दो दो भाग कर देते हैं 50-50% का। इसमें से वह पर्टिकुलर भूत तन्मात्रा उसका अपना 50% रख देते हैं और बाकी जो भाग बचा उसका चार भाग कर देते हैं 12.5। अभी इसमें से एक भाग लेकर के एक एक चार भूतों को देते हैं, तो एक अपना रह गया और एक एक भाग चार को दे दिया, तो सबको उसका भाग मिल गया। और दूसरा भूतों का ऐसे ही चार चार भाग करके, आधा का चार चार भाग करके 12.5 दूसरा सबको दे देंगे, तो सबके पास में 100% हो जाता है। 50% अपना और 50% में चार भाग करके 12.5 चार भूतों का
मिलकर के 50% होता है। कोई कोई जगह में वेदांत में उसको और भी एक ढंग से, पुराना ढंग का जो परसेंटेज छोड़ करके समझाने का ढंग था, 16 आना। ज्यादातर ही लोग वयस्क है इसलिए जानते हैं रुपया का 16 आना होता था। सबने व्यवहार भी किया होगा 16 आना का, तो 1 रुपया का 16 आना होता है। उसमें से 8 आना अपना भाग में रहता है, एक भूत का 8 आना, बाकी 2 आना 2 आना 2 आना 2 आना 4 भाग का 8 आना हुआ है। सो अपना 8 आना रख लेगा और बाकी जो 4 भूत बाकी है सबको 2 आना 2 आना 2 आना 2 आना दे देगा। अब ये बाकी भूत को दूसरे सब भूतों से 2 आना 2 आना मिल जाएगा तो उसका भी 16 ही आना मिल जाएगा। तो ये सबका 16 आना मिल जाने से सबके पास में 1-1 रुपया माने 100% रहेगा, टोटालिटी बन जाएगा। ये जो हुआ ये मिश्रण होने के बाद में हम उसको स्थूल रूप में देख सकते हैं, तब स्थूल बन जाते हैं। जहां तक मिश्रण नहीं हुआ वहां तक स्थूल नहीं बनते, इसलिए मिश्रण बनाना जरूरत है। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो ये जगत की बिल्डिंग जब बनाना है तो ये बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे हम लोग सीमेंट, बाली, गिट्टी, पानी और RCC होने से लोहा का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये सब मिलकर के एक बिल्डिंग बनाते हैं। अभी मिश्रण में हेफाजर्ड मिश्रण करें, जैसे यहाँ 2 आना 2 आना 2 आना या 12.5 बदले के किसी को 2 आना दिया, किसी को 3 आना दिया, किसी को 1 आना दिया, ऐसा हेफाजर्ड करने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ सीमेंट का मिश्रण करने से 1 बैग सीमेंट दिया, 3 बैग बाली दिया, 2 बैग गिट्टी दिया, फिर इतना परिमाण में 5 बाल्टी पानी दिया उसमें, तब एक मिश्रण बना, वो मिश्रण को फिर हम वहां ढलाई किया, तब ढलाई करके एक बिल्डिंग बना। अभी वहां अगर गोलमाल कर दे और मिश्रण बनाए और पानी नहीं दे उसका जो भाग था और सब मिश्रण करके ढलाई कर दे तो कुछ होगा ही नहीं वहां पर। ऐसे ही यहाँ जो जिस परिमाण में शास्त्रों ने मिश्रण की प्रक्रिया बताई है उस मिश्रण में प्रक्रिया बनने से बनाने से ये भूतों का स्थूल रूप प्रकट होता है, तहां तक स्थूल रूप प्रकट नहीं होता है। तो सूक्ष्म को स्थूल बना, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 100। तदुक्तम द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्था प्रथमम पुनः स्वस्व इतरम द्वितीयांशो योजनात पंच पंचते। वो जो मैं समझाया वही है, वो पंचदशी का जो 16 आना वाला था ये पंचदशी, हिंदी पढ़ लेता हूँ। जैसा कि कहा गया है प्रत्येक भूत के 2 समान विभाग करके प्रत्येक के प्रथम भाग को 4 समान भागों में बांटते हैं, फिर प्रत्येक तत्व के दूसरे अर्धांश में बाकी 4ों के 1-1/4 का योग करते हैं। इस प्रकार 5ों तत्वों में से प्रत्येक में 5 प्राप्त हो जाता है, माने मिश्रण। जितने भी तत्व हम लोग आकाश देखते हैं, पानी देखते हैं, तेज देखते हैं, वायु देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं, सब मिश्रित है, उनका तत्व प्रधान है, बाकी मिक्सित है, इसलिए ये स्थूल जगत उसमें से बना। अस्य अप्राणम अप्रामाण्यम न आशंकनीयम तीव्रत करण श्रुते पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्। अभी बात यह है जो छांदोग्य उपनिषद में पंचीकरण नहीं दिया है, वहां 3 भूतों की बात, त्रिवृत्तीकरण दिया है, वहां आकाश और वायु नहीं है। अग्नि आप पृथ्वी, अग्नि पानी और 3 से त्रिवृत्तीकरण से ये पूरा विश्व बना है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं। मगर पॉपुलर थियरी और पॉपुलर ज्ञान तो पंचीकरण का है, तो ये एक उपनिषद जो बोलते हैं उसका समाधान तो करना पड़ेगा। तो इस समाधान के लिए बोलते हैं ये उपलक्षणत्वात्,
ये जो तीव्रतीकरण है वो तीव्रतीकरण की बात बोलने से पंचीकरण भी उसमें आ जाता है। कैसे? उपलक्षण के सिद्धांत से। अभी उपलक्षण सिद्धांत क्या है तो वेदांत में उसका समझाते हैं। जैसे किसी ने छत के ऊपर में दही रखा, अरे किसी को बोल के गया, अरे दही ऊपर में रखा है, देखना काक से उसको बचाना, काक कहीं दही न खा जाए। अभी काक ही दही खा जाएगा ऐसा नहीं, दूसरी बहुत सी चिड़िया आकर के और कीट पतंग आके भी उसको खराब कर दे सकते हैं। मगर जब बोलेगा जे दही को काक से रक्षा करना, उसका उपलक्षण उस बात के अंदर में ऑलरेडी इनडायरेक्टली बोल दिया जाता है। तो काक तो बोल रहा हूं, सबका नाम बोलने में तो ज्यादा बोलना पड़ेगा, इसलिए काक और जितने भी पशु पक्षी आएंगे सबसे उसको बचा के रखना, इसको उपलक्षण बोलते हैं। माने एक बात बोल के डायरेक्टली दूसरी बात इनडायरेक्टली भी समझा देना, उसको उपलक्षण बोलते हैं। तो ये जो त्रिव्रतीकरण की बात उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में बोली है, उसमें उपलक्षण से पंचीकरण भी समझ लेना है, ऐसा ग्रंथकार हम लोगों को बताते हैं। 102 पंचानांग पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशिष्यात्तु तद्वादस्तद्वाद इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेश संभवति। पांचों तत्वों में से में सभी पांचों का अंतर्भाव उपस्थिति होने से इनमें समानता है, तथापि परंतु इसमें से किसी एक के प्राबल्य वैशिष्ट्य के कारण उन्हें उन उन नाम से कहा गया है। इस न्याय के अनुसार इसमें आकाश आदि पृथक नामकरण उचित है। इसको ज्यादा समझ नेक्स्ट सूत्र से हो जाएगी, फिर दोनों साथ में समझा देंगे। तदानिम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते। अभी आकाश का गुण क्या है वहां आगे समझाए थे, पंचभूतों में सब भूतों का सब भूतों में तो समावेश होता है। प्रत्येक भूत पानी देखने से, पानी के अंदर में आकाश वायु अग्नि पृथ्वी सब है, वायु में आकाश अग्नि पानी पृथ्वी सब है, प्रत्येक में प्रत्येक है। मगर उस भूत की अपनी प्रधानता होने से उसको उसका नाम रखा गया। अभी इसको आगे चल करके बताते हैं, किंतु सूक्ष्मता के हिसाब से बोला जाता है ये आकाशे शब्दो अभिव्यजते। आकाश जो हम लोग देखते हैं स्थूल तन्मात्रा नहीं, ये जो आकाश देख रहे हैं स्थूल है। तो ये आकाश कैसे मालूम होता है, अभिव्यजते कैसे उसको बताया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। आकाश का शब्द ये स्वभाव है, आकाश शब्द अभिव्यजते, आकाश को शब्द से बताया जाता है। वायो वायो के अंदर में शब्द स्पर्शो, आकाश में जैसे मात्र शब्द है क्योंकि सूक्ष्मतम है, वायु नेक्स्ट नंबर है, तो वायु में आकाश का शब्द है और वायु का जो स्वभाव है वो स्पर्श है, इसलिए वायु में स्पर्श और शब्द दोनों ही है। इसी तरह अग्नो शब्द स्पर्श रूप, अग्नि में तो शब्द आकाश है, स्पर्श वायु है और रूप वो अग्नि का स्वभाव है। अग्नि रूप से जाना जाता है, वायु स्पर्श से जाना जाता है, आकाश की उपस्थिति शब्द से जानी जाती है। तो ये अग्नि तीन नंबर में है इसलिए उसमें शब्द स्पर्श रूप तीनों आ गया है। आप पानी, इसमें शब्द स्पर्श रूप रस पानी के अंदर में चार है, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और अपना खुद का पानी का माने आप का रस। पानी का स्वभाव क्या है, रस मालूम पड़ता है, पानी बिना कोई रस नहीं मिलेगा, तो पानी रस है, इसलिए पानी में चार तत्व है।
चार तत्व की अनुभूति होती है। तत्व तो सभी है, पृथ्वी भी उसमें है, मगर ये अनुभूति वहां होती है। पानी में गंध नहीं है। पृथ्वी में क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध च, सब पृथ्वी के अंदर में है। अपना गंध, पृथ्वी का स्वभाव क्या है, पृथ्वी को कैसे, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है, जिसमें भी गंध है वो पृथ्वी है। तो अपनी गंध छोड़ करके रस रूप स्पर्श शब्द ये सब उसके अंदर में समाया। तो ये एक एक भूत के अंदर में जो जो अभिव्यक्तियां हमको मिलती हैं, ये अभिव्यक्तियां जो यहाँ संस्कृत में अभिव्यंजित शब्द लिखा है, तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, माने एक्सप्रेस्ड नॉन अभिव्यक्त जो हुआ है ये, इसके आगे जाएंगे। 104 एतेभ्य पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो, ये पंचीकृत भूते में से 14 लोक बने हैं। समग्र ब्रह्मांड में जितने लोक है वो लोक का नाम अभी गिनाते हैं। ये जो पंचीकृत बन गया भूत, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जल ये सब जो बन गया, इससे 14 लोक बने। सूक्ष्म जगत का 14 लोक नहीं है, हिरण्य गर्भ में लोकों की बात नहीं आई है, ये स्थूल जगत में लोकों की बात आएगी। तो एतेभ्य पंचकृतेभ्य भूतेभ्यो भूर भुवः स्व जन तप सत्यम इति एतत् नामकानाम उपरी उपरी विद्यमानानाम। ये पंचभूत जो बन गए उससे ऊपर के 7 लोक बने। भूलोक माने ये पृथ्वी, भूलोक स्वहलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये 7 लोक बने। इसकी पुराणों के अंदर में, खास करके विष्णु पुराण के अंदर में बहुत विस्तृत व्याख्या है। आप लोग ये काशी खंड पढ़ते हैं उसमें भी अपने अपने ढंग से एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है, ये लोक में गया और वो लोक में गया और वो लोक में गया और यहाँ सब बातें हुई, ये सब पुराणिक ढंग से समझाते हैं। मगर इसको लॉजिकल भाषा में, आज की भाषा में बोलने हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये सभी एग्जिस्टेंस हम लोग, अगर हमारा ऐसा ख्याल हो जाए ये पृथ्वी के ऊपर में बीच में कहीं ये जो स्थूल आकाश और स्थूल जगत दिखाई देता है, वहां पर स्वर लोक है और वहां जनलोक है, उससे ऊपर में, ऐसा नहीं बात है। ये सूक्ष्मता के तारतम्य से अपर 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 ये एक्सपीरियंस में जाता है, सूक्ष्मता के तारतम्य से। ऐसे ही जो लोअर 7 लोक की बात है वो बोलते हैं, उसके नाम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामका नाम। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 14 नाम याद रखने से अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किधर न किधर ये पढ़ने में आ जाता है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए ठाकुर ऐसी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। ना तो हमारा रंगनाथन महाराज बहुत से लेक्चर में ये सभी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। मगर जब पूरा वेदांत ही हम समझने जाते हैं तो इसको भी बाय द वे समझ लेना अच्छा है कि पंचभूतेर फांदे पड़ ले ब्रह्म कांदे थे पंचभूत की, ये शरीर तो पंचभूतेर करा, स्थूलेर पंचभूतेर फांदा था के ना,
স্থূল শরীরেরই থাকে আর স্থূল শরীরেরই জগতের ফান্দা থাকে। তব এ পঞ্চভূত কা ফান্দা কেসে পঞ্চভূত বনা তো এ প্রক্রিয়া, তব वस्तु ज्यादा स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आती है। ये 14 लोक है, ये 14 लोक सूक्ष्मता के तारतम्य से माना मैंने समझ में आता है, क्योंकि आज विज्ञान का विकास हो गया है इसलिए हम लोग पूरा सूर्य मंडल ही जानते हैं ऐसा नहीं है। सूर्य मंडल भी जिसका एक छोटा सा पार्ट है, इसे टोटल गैलेक्सी में कहां क्या है वो सब मालूम है। इसका मतलब स्थूल आंखों से, स्थूल इंद्रियों से और स्थूल यंत्र व्यवस्था से, बाइनोक्यूलर इत्यादि से कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। मगर यही बात योगी जब ध्यान में जाते हैं या मृत्यु के बाद में जब अंदर से शरीर निकल जाता है, वह शरीर जब दूसरे दूसरे लोकों में जाता है तो सब लोकों का अनुभव उसको होता है। इसलिए ये सब लोक है मगर सूक्ष्मता की तारतम्य में अलग अलग जगह में जाते हैं। जिसका पाप पुण्य कई प्राय ही समानता होती है वो मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी में बार बार आते रहते हैं। डिस्कशन ऑफिस एक और में अपना जा भी प्रश्न आचे से वहां पर करना, वहां बात करेंगे, सबका हम समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो सूक्ष्मता का तारतम्य है, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका मॉरल डेवलपमेंट, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपका प्राणमय शरीर, आपका मनोमय शरीर, उसकी जैसी शुद्धि हुई है और जैसी क्षमता बढ़ी है और जितना ज्ञान बढ़ा है, ऐसे आपका शरीर सूक्ष्म शरीर की शुद्धता का लेयर्स बन जाएगा। और जैसी योग्यता आपने प्राप्त की है ऑटोमेटिकली आप उस लोक में चले जाएंगे जहां फिर बोलते हैं रामकृष्ण आके ले जाएंगे, न विष्णु के दूत आके लेके जाएंगे, न जम के दूत आके लेके जाएंगे, न क्या ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं। मगर वेदांत की दृष्टि से ये 14 लोगों की बात, लोकों की बात यहाँ पर की है। मगर एक बात इसमें हम लक्ष्य क्या है, क्यों मुझे नहीं मालूम है, यहां नरक की बात नहीं की है। हेल इज नॉट डिस्कस्ड इन वेदांत। अपर लोअर लोसन हुआ है मगर वेदांत में हेल इज नॉट डिस्कस्ड। अच्छा उसको हिंदी में पढ़ लेता हूं। ओ उसको भी आगा अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नाम के ये नीचे नीचे के लोक हुए। अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य, ये 14 लोक ये ब्रह्मांड में हुए। तद अंतर्गत अभी दूसरी बात आ रहा है, चतुर्विद स्थूल शरीरानां तद उचितानां अन्न पान आदिना च उत्पत्ति भवति। अभी हिंदी पढ़ लेते हैं। इन पंचीकृत भूतों में भूतों से एक के ऊपर एक भूर भुव स्व मह जन तप तथा सत्य और एक के नीचे एक अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल 14 लोकों से युक्त ब्रह्मांड किससे बना? ये पंचीकरण भूतों से, सूक्ष्म भूतों से नहीं, पंचीकरण भूतों से ये ब्रह्मांड बना। तथा उसमें निवास करने वाले 4 प्रकार के स्थूल शरीर और उनके उपयोग के उक्त भोज्य पेय आदि की उत्पत्ति हुई। चतुर्दश लोक 14 लोका और ये 14 लोक में रहने वाले 4 टाइप के चतुर्विद स्थूल शरीरानी की उत्पत्ति हुई। अभी चतुर्विद स्थूल शरीर क्या है? 105 चतुर्विद शरीरानी तु जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज आख्यानी। ये चतुर्विद जो शरीर की उत्पत्ति हुई स्थूल जगत में, उसमें क्या क्या है?
जरायुज, अंधज, स्वेदज, उद्भिज, चार प्रकार के जीव ये ब्रह्मांड में है। जरायुज, अंधज, स्वेदज, उद्भिज, ये चार प्रकार के स्थूल शरीर, दूसरे के नाम नहीं दिए हैं, मगर वो भी हो सकते हैं ऊपर के लोक में, जिसके पुराणों में हम लोग को मिलता भी है। अभी एक एक को समझाते हैं क्या है। जरायुज माने क्या? जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पशु पक्षी आदिनी। जरायु माने गर्भ, माता के गर्भ में, फिर पशु माता हो या मनुष्य माता हो, जिसका पेट में गर्भ के ऊपर में एक कवरिंग आवरण होता है, उस आवरण को जरा, इस जरा में जो बंधा हुआ है ये जरायुज, ये जरायुज से उत्पन्न वाले जो है मनुष्य और पक्षी, उनको जरायुज नाम दिया। हम लोग जरायुज हैं, पक्षी भी जरायुज है। जिसको माँ आकारित शरीर हिसाब से जन्म देती है वो जरायुज है। अंडज, अंडज की व्याख्या करते हैं, अंडे भी हो जातानी पक्षी पन्नग आनी, अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि को अंडज बोलते हैं। माता के गर्भ से आकारित शिशु हिसाब से बाहर जो निकलता है वो जरायुज, जिसका जरा के अंदर में ही पालन पोषण होकर के तैयार होके बाहर निकलता है, डिफरेंट स्टेजेस उसमें होते हैं। पशु के बच्चे होने से एक हरिन का बच्चा है 10 मिनट में चलने लगेगा और 15 मिनट में माँ के साथ में दौड़ने लगेगा। प्रकृति उसको तैयार बना करके ही भेजती है, क्योंकि तैयार बना के नहीं भेजने से शिकार हो जाएगा। मगर मनुष्य का जो बच्चा है उसको प्रकृति तैयार करके नहीं भेजती है, उसको मिनिमम प्रिपरेशन करके भेज देती है। वो न तो बैठ सकता है, न चल सकता है, न कुछ भी कर सकता है, एब्सोल्यूटली डिपेंडेड ऑन मदर। और ये एब्सोल्यूटली डिपेंडेड ऑफ मदर है तो मदर को 24 घंटा उसके पीछे लगा रहना पड़ता, तो फिर मदर को देखने के लिए और किसी की जरूरत पड़ती है, तब एक हस्बैंड बनता है। और जब एक हस्बैंड बनता है तो फिर उसके और भी बच्चे हैं, और वो भी जिसके बच्चे हैं मिलकर के एक परिवार बनता है। ये जो इमेच्योर, अगर उसको इमेच्योर शब्द यूज करे, अथवा जो पूरा तैयार नहीं किया हुआ बच्चा का जन्म ने ही मनुष्य समाज को बनाया। अगर मनुष्य का बच्चा पशु के जैसे चलना चालू कर देगा तो ये समाज बनने की संभावना नहीं थी। बच्चा ही मनुष्य का समाज का केंद्र है और उससे ही मनुष्य समाज का विस्तार है और बना रहता है, नहीं तो समाज नहीं टिका रह सकता है। तो ये अंडजानी ऐसे बनते हैं। स्वेदज, स्वेदज का क्या न? स्वेदे भ्यो जातानी युक मशक आदिनी, युक मशक आदिनी, पसीने से पैदा होने वाले जू मच्छर आदि को स्वेदज कहते हैं। अब यहां जो शब्द का जाति का नाम दिया है जू, जू जानते हैं ना, शरीर में जो होता है पशु के शरीर में होता है, और मच्छर, वो दोनों को स्वेदज बोले हैं। स्वेदज का अर्थ यूजुअली पसीने करते हैं, यहां ट्रांसलेशन में भी पसीने दिया है, दूसरा बंगाली में भी शायद पसीना दिया है ना, क्या दिया है, घाम। एक्चुअली घाम नहीं होना चाहिए, नमनेस, नमनेस जब होता है, डैम्पनेस, डैम्पनेस लिखा है, हाँ, तो वो डैम्पनेस जो है, ये डैम्पनेस में ही, डैम्पनेस को फिर हम पानी तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मच्छर बिना पानी के नहीं हो सकते हैं। ये शायद पूरी प्रक्रिया उस समय में जानी नहीं थी। यू वो भी शरीर में कहीं से आकर के फिर बनते हैं, फिर इसमें बैक्टीरिया का और फंगस का उस योग में कोई ज्ञान नहीं था। बैक्टीरिया नॉलेज इज ए वेरी रिसेंट नॉलेज, मगर ये सबको भी अगर हम ले लें तो ये डैम्पनेस छोड़ करके
एक वार्म एटमोस्फेयर छोड़ करके कोई भी नहीं होता, इसलिए ये एक पूरी स्पेसिस बना दी है जिसमें ये सब आ जाते हैं। ये स्पेसिस का नाम स्वेदजानी ऐसा बोल दिया है। फिर उद्भिजानी, उद्भिज है भूमि, भूमि उद्भिद्य जातानी लता वृक्ष आदिनी, भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाले लता वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं। भूमि से जितने भी उत्पन्न होते हैं वो सबको उद्भिज नाम दिया। तो ये चार तरह के ही जीव ये जगत में पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उक्त विशेष ये छोड़कर के और कोई पांचवी जाति नहीं है। तो 14 लोक और चतुर्विध स्थूल शरीरा ने ये पंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न हुई। अब आगे चलते हैं। अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि वृक्षवत जलवत वा व्यष्टि अपि भवति। जो आगे व्यष्टि उपहित चैतन्य में, अज्ञान उपहित चैतन्य में प्राग्न जैसे बोला, और समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य को जैसे ईश्वर बोला था, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में जैसे वन उपहित और जल उपहित का उदाहरण देकर के एक एकता बताने का प्रयत्न किया है, ऐसे ही स्थूल जगत की भी एकता है। यहां भी चारों प्रकार के सभी स्थूल शरीर एक तथा अनेक के आशय से वन या जलाशय के समान समष्टि तथा वृक्ष तथा जल के समान व्यष्टि भी होते हैं। ये यूनिवर्स की एकता, अभी ये जो व्यष्टि उपहित और समष्टि उपहित उसमें प्राग्न और सूक्ष्म शरीर में काफी चर्चा कर दी है। जो बेजिस की चर्चा वहां की थी एग्जैक्टली वही बेजिस में या स्थूल शरीर की भी एकता वे बता रहे हैं। एतत् समष्टि उपहित चैतन्यम वैश्वानरो विराट इति उच्यते। सर्वनर अभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वात् च। हिंदी है, स्थूल शरीरों की यह समष्टि उपाधि युक्त चैतन्य सर्वदेह अभिमानी होने से वैश्वानर तथा विविध प्रकार से अभिव्यक्त होने के कारण विराट कहलाता। दो नाम उनका दिया। जैसे ईश्वर है समष्टि उपहित चैतन्य का नाम विश्व दिया है, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य का नाम हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा या प्राण दिया है, ऐसे ही ये समस्त चतुर्विध स्थूल शरीर और 14 लोकों और सबसे जो उपहित चैतन्य उसको विराट नाम दिया है या विश्वानर नाम दिया है। ये दो नाम उनका दिया हुआ। इसलिए जगत स्थूल जगत का उपहित जो चैतन्य है उसका नाम विराट है। अस्य अपि अस्य एषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश स्थूल भोगायतनत्वात् च स्थूल शरीरम जागृत इति च विपदिश्यते। अत्र अन्न का विकार होने के कारण विराट के स्थूल शरीर जितने भी है वो अन्न से ही उसकी नरिशमेंट होती है। तो अन्न का विकार के होने के कारण विराट के स्थूल शरीरों की इस समष्टि को अन्नमय कोश कहा जाता है, और स्थूल शरीर विषयों के भोग का आश्रय होने के कारण स्थूल शरीर और जागृत अवस्था कहा जाता है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं लगती है क्योंकि बहुत सरल बात है। उससे आगे चले हम 113। एतम व्यष्टि उपहित चैतन्यम विश्व इति उच्यते सूक्ष्म शरीर अभिमानम
अपरिचज्य स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्। समष्टि को जैसे विराट बताया और समष्टि के सब स्थूल शरीरों से उपहित चैतन्यों को विराट या विश्वनर नाम दिया है। अभी व्यष्टि उपहित चैतन्य का नाम क्या? आगे एक प्राज्ञ नाम मिला था और एक तेजस नाम मिला था। अभी ये तीसरा शरीर से उपहित चैतन्य का नाम बोलते हैं विश्व है। सूक्ष्म शरीर का अभिमान त्यागे बिना, भाषा को देखना, सूक्ष्म शरीर का अभिमान त्यागे बिना ही स्थूल शरीर आदि में प्रविष्ट होने के कारण इस व्यष्टि उपाधि युक्त चैतन्य को विश्व बोलते हैं। जब ये हम स्थूल शरीर में है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर के साथ में आइडेंटिटी था वो जाता नहीं है, वो आइडेंटिटी इसमें ही बना रहता है। एक्चुअली उससे ही ये स्थूल शरीर बनता है। ऐसा ये जो सूर्य शरीर है उससे उपहित जो चैतन्य है उस चैतन्य का नाम विश्व। तो तीन सेट हमको मिला, इतनी चर्चा इतना दिनों की, इसमें तीन सेट में व्यष्टि माने हम व्यक्ति रूप, उसका कारण शरीर का नाम है प्राज्ञ, अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम है प्राज्ञ, फिर जो 17 अवयव युक्त सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर हमारा जो है उससे उपहित चैतन्य, बिना चैतन्य उपहित मैंने बिना चैतन्य की शक्ति पाए अथवा बिना चैतन्य से प्रतिबिंब हुए कोई भी वस्तु की अस्तित्व संभव नहीं है, कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर उपहित जो चैतन्य है उसका नाम तेजस। कैसे तेजस हुआ? गत बार हमने समझाया था तेजस नाम होने का कारण क्या। अभी आज हम लोग को एक नया नाम मिला क्योंकि आज हम स्थूल शरीर के संबंध में पंचीकरण से कैसे ये स्थूल शरीर बना और कैसे जगत बना, 14 लोक और हमारे सब शरीर, इससे उपहित जो चैतन्य उसका नाम विश्व है। तो विश्व तेजस प्राग्न स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हमारे जो है इसका तीन नाम दे दिया। हमारा अस्तित्व के तीन विभाग शास्त्रों ने किए हैं और वही तीन विभाग है, एक आवागमन, एक जन्म मरने वाला विभाग जो स्थूल है, एक आवागमन करने वाला विभाग सूक्ष्म शरीर जो आता है जन्मता है मरता है, उसका विनाश आत्मज्ञान के समय में ही होता है। ये सूक्ष्म शरीर ही सब लोगों के अंदर में आना जाना होता है। दूसरा है कारण शरीर जो वो सेंटर है जिसके आसपास में ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तो प्राज्ञ सूक्ष्म और स्थूल ये हमारा अस्तित्व है। जैसे हमारे में है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड में जो कारण शरीर है समष्टि उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर दिया है, समष्टि उपहित सूक्ष्म शरीर का नाम हिरण्यगर्भ दिया है या सूत्रात्मा या प्राण, ऐसा तीन नाम उनको दिया हुआ है। और समस्त स्थूल शरीर चतुर्विध शरीर इससे उपहित जो चैतन्य उसका नाम विराट या विश्वनर, ये तीन नाम है। अभी जब जहां पर भी बात में आए तेजस या विश्व ये वेदांत की बातों में आएगी तो इसका अर्थ ये होता। तो आज तक इतना ही, विश्व तक, फिर उसके आगे जाएंगे तो उसमें आगे थोड़ी थोड़ी सामान्य समझ हम देंगे क्योंकि मेन समझ जो जानने की थी वो जान लिया। ये बहुत स्थूल वस्तुएं हैं, इसको खाली घर में पढ़ लेने से भी हो जा सकता है, मगर यहाँ भी हम लोग पढ़ के थोड़ी सी एडिशनल चर्चा इसमें कर देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।